हेलो दोस्तों, मैं सुबिन हूँ और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल टेक सुबी। हमेशा की तरह इस चैनल पे आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं फ़ोन की ऐसी सेटिंग में बारे में बात करूँगी जो आप नहीं जानते। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। सो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन करने के लिए पहले आपको सेटिंग में जाना है। तो मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ से आपको इंटरेक्शन एंड डेक्सटेरिटी यहाँ पर क्लिक करना है। तो चले गए तो आपको यहाँ से इंटरेक्शन कंट्रोल में जाना है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर डिसेबल हुआ है, पहले मैं इसको यहाँ पर चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ हुआ है। सिंपली यहाँ से आपको इसको ऑन कर देना है। फिर आपको उसके नीचे लॉक स्क्रीन, लॉक व्हेन डीएक्टिवेटेड, इसको यहाँ पर ये ऑफ हुआ है, इसको ऑन कर देना है। तो फिलहाल मेरे फ़ोन में कोई पैटर्न वगैरह नहीं है, तो मैंने पैटर्न एक दे देता हूँ। सेकंड ऑप्शन का मतलब, जब आप इसे डीएक्टिवेट करोगे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब मैं बैक में चला जाता हूँ, उसके बाद बात करूँगी इसके काम के बारे में। तो मैं बैक में चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बैक में आ गया। तो वॉल्यूम अप और लॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर वॉल्यूम अप बटन और यहाँ पर लॉक बटन जो है इसको लॉन्ग प्रेस करना है, थोड़ी देर के करके रखना है। तो आप देख सकते हैं टर्न ऑफ 100 मोड, इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया इंटरफेस आ गया। तो फ्रेंड्स, आप जिस पोर्शन को ब्लॉक करना चाहते हैं उस पोर्शन को ये कर दें, उसके बाद आप यहाँ से सिंपली डन ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो कैमरा और कॉलर का जो ऑप्शन था वो काम नहीं करेगा और बाकी सारा फ़ोन काम हो रहा है। सिर्फ के सिर्फ ये वाला पोर्शन काम नहीं करेगा और सब पोर्शन काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक नहीं खुल रहा। तो अब मैं गैलरी में क्लिक करूँगी तो गैलरी खुल के आएगा, तो अब काम नहीं करेगा ये। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर एक बार वॉल्यूम अप बटन और लॉक बटन को प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन लॉक हो गया और यहाँ पर वो अनलॉक डीएक्टिवेट हो गया। तो मैं एक बार व्हाट्सएप में जाके आपको दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप में नहीं, मैं यूट्यूब में जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए सिंपली फिर एक बार आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर की को प्रेस करके रखना है। तो मैंने प्रेस कर दिया। यहाँ से आप सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पोर्शन जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने 60 बार को ब्लॉक कर देता हूँ और नीचे जो क्यू है उसको ब्लॉक कर देता हूँ। यहाँ से सिंपली इसको डाउन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा और ऊपर में जो कुछ काम नहीं करेगा और बाकी सारा फ़ोन जैसा काम करता है वैसे ही काम करेगा। ऊपर साइड से कोई काम नहीं करेगा, नीचे साइड से कोई काम नहीं करेगा। तो इसको भी डीएक्टिवेट करने के लिए सिंपली फिर एक बार आपको वॉल्यूम अप बटन और लॉक बटन को प्रेस करके रखना है। यहाँ से फ़ोन एक बार लॉक हो जाएगा तो आप फ़ोन आगे पर्जाय में आ जाएगा। तो आप इसी ट्रिक को आपके फ़ोन में यूज कर सकते हो। तो मैंने फिर एक बार
जाके आपको दिखा देता हूँ। फिर एक बार मैंने चलता हूँ सेटिंग में, उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली दबा के रखना है वॉल्यूम अप बटन और लॉक बटन, यहाँ से इसको ऑन कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से ये भी कर सकते हैं, सिंपली डन कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो काम नहीं करेगा, तो और होल स्क्रीन काम करेगा, सिर्फ ये चीज़ काम नहीं करेगा, ये। तो मैंने इसको अनलॉक करके दिखा देता हूँ आपको, फ़ोन खुद ब खुद एक बार लॉक हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। सो गाइज, और एक फीचर्स है, आप पूरा स्क्रीन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिर एक बार वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, जैसे कि मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। आप देख सकते हैं नीचे वाला एक ऑप्शन दिख रहा हुआ है, लॉक होल स्क्रीन। तो इसको जब आप टिक कर दोगे तो आपका होल स्क्रीन जो है लॉक हो जाएगा। तो ऐसे सिंपली डाउन कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कुछ काम नहीं करेगा। तो आप इसको ऑन करके कोई भी बंदा को फ़ोन दे देगा, वो सोचेगा कि फ़ोन हैंग हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो कोई बंदा आपका फ़ोन उठाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा आपका फ़ोन क्या हुआ है, वो सोचेगा कि आपका फ़ोन हैंग हो गया। तो मैंने इसको डीएक्टिवेट करके आपको दिखा देता हूँ फिर एक बार। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक बार लॉक हो जाएगा और डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का ट्रिक। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर लाता रहता हूँ।